हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आसान सी रेसिपी उड़द की धुली दाल। ये बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी बनती है। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप उड़द की दाल ली है, ये मैंने 2 घंटे भिगो ली थी। एक मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है, ये मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी मैंने कट कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, ये भी मैंने कट कर ली है। मसाले पाउडर में मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 मीडियम साइज के प्याज लिए, ये भी मैंने कट कर लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, गैस को मैंने ऑन कर लिया है। हमने यहाँ पर दाल 1.5 कप ली है, तो पानी हम 3 कप डाल देंगे प्रेशर कुकर में। पानी हमें कप से नाप कर ही डालना है, तो मैंने यहाँ पर 3 कप पानी डाल दिया है। गैस को हम मीडियम टू हाई करेंगे। इसके बाद हम मसाले पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ये हमें आसान तरीके से बनानी है। इसी के साथ हम चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम एक उबाल आने देंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे अच्छे से उबाल आ चुका है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब हम गैस को थोड़ा लो कर देंगे। इसके बाद हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है। तो मैंने यहाँ पर सारी दाल डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यह दाल बहुत ही आसानी से बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। इसके बाद हम कुकर की लेड लगा देंगे और इसमें 2 प्रेशर आने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब इसमें 2 प्रेशर आ जाएंगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। दो सीटी आ चुकी है, अब हम इसको 5 मिनट बाद खोलेंगे। 5 मिनट हो चुकी है, अब हम कुकर को खोलकर देखेंगे। आप देखेंगे हमारी दाल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है, अच्छे से दम हो चुकी है। तो आप देखेंगे ये अच्छे से कुक हो चुकी है, यह बनकर तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया हरी मिर्च ऐड कर दी है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत टेस्टी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, गैस को मैंने ऑन कर लिया है। अब हम यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर देंगे। हमें इनको लाइट ब्राउन करना है। जीरे को हमें अभी नहीं डालना है, जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तब डालेंगे। तो आप देखेंगे हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को हमें हल्का ब्राउन सा करना है। इसके बाद हमारा तड़का बनकर तैयार है। तो आप देखेंगे हमारा तड़का एकदम तैयार है, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम दाल में डाल देंगे। हमारी दाल एकदम परफेक्ट बनी है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये लीजिए हमारी उड़द की दाल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप चाहे रोटी के साथ लें या राइस के साथ लें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।